अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ लेक्चर फॉर क्लास थ्री सब्जेक्ट इंग्लिश। द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इज़ रिवीजन ऑफ पास्ट टेंस एक्स्ट्रा वर्क ट्रांसलेशन। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट। पास्ट टेंस के बारे में हम पहले सीख चुके हैं, अब हम इसकी रिवीजन करेंगे। पास्ट टेंस कौन सा होता है? पास्ट मीन माजी, गुजरा हुआ ज़माना जो होता है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज़ अ टेंस दैट डिनोट्स एन एक्शन इन द पास्ट। कि पास्ट टेंस हमें वो एक्शन के बारे में बताता है जो हमने कर लिए होते हैं, गुजरे हुए ज़माने में हम कर चुके होते हैं। तो पास्ट टेंस जो है वो हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है। पास्ट टेंस की पहचान ये है कि इसके आखिर में अलीफ, छोटिए, बड़िए, था, थी, थे वगैरह आते हैं। कि ये माजी में जो हमने काम किए होते हैं तो उनके जो हमने सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके एंड वाले लेटर्स जो होते हैं वो ये होते हैं, फिक्रे के आखिरी वाले हरफ जो होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसने ख़त लिखा, मैंने किताब ख़रीदी। देखिए इनके दोनों में हमने काम कर लिया हुआ है, काम हमारा काम कंप्लीट हो चुका है कि उसने ख़त भी लिख लिया है और मैंने किताब ख़रीदी कि मैं ख़रीद चुकी हुई हूँ। तो ये दोनों जो है वो फिक्रे क्या शो करते हैं? पास्ट टेंस, कि गुज़रा हुआ ज़माना। स्टूडेंट्स, इसको बनाने का तरीका ये है कि जब हमने पास्ट टेंस बनाना है तो उस पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राइट करना है। क्या राइट करना है? सब्जेक्ट, के जो काम करेगा। उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राइट करना है। फॉर एग्जांपल, आई रोट। आई क्या है? सब्जेक्ट। रोट क्या है? सेकंड फॉर्म वर्ब की। आ लेटर क्या किया है हमने? ऑब्जेक्ट किस पे किया है? लेटर राइट किया है। वी रोट आ लेटर, ही रोट आ लेटर। कि सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर हम क्या राइट करते हैं? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वो घर चले गए। अब देखिए दे क्या है? सब्जेक्ट। वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कहाँ गए? ऑब्जेक्ट क्या है? होम। दे वेंट होम। उसने अपना सबक याद किया। शी क्या है? सब्जेक्ट। लर्न्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हर लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट। शी लर्न्ड हर लेसन। कि सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और क्या राइट करना है? ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस को हमने जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं उनमें हमने नहीं का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे? मैंने सेब नहीं खाया। दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राइट करना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डिड, और उसके बाद हमने नॉट राइट करना है। लेकिन पहले हमने सिंपल पास्ट टेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है और डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आई डिड नॉट write a letter, subject, helping verb, helping verb के फौरन बाद हमने not use करना है, helping verb कौन सा है? did, she did not write a letter, did not, did के साथ हमने verb की कौन सी form use करनी है? second, first form use करेंगे हम। I did not write a letter, she did not write a letter, you did not make a tea, कि ये जो मेक है ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे डिड नॉट फ्लाई अ काइट, फ्लाई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डिड यूज़ करना है तो उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने सेब नहीं खाया। आई क्या है? सब्जेक्ट। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसमें नॉट यूज़ किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। I did not eat apple. हमने झूठ नहीं बोला। We subject, किसने झूठ नहीं बोला? हमने।
हेल्पिंग वर्ब। टेल, टेला लाई, टेल क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। असलम नहीं खेला, असलम डिड नॉट प्ले। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना है, और उसके फौरन बाद हमने नॉट लगाना है, और जहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया तो उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में हमने सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट किया, लेकिन उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तो स्टूडेंट्स को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है बाद में हमने, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डिड। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, उसके बाद हमने सब्जेक्ट राइट करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करना है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट करना है। और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया है, जहाँ पे डिड यूज़ होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। डिड आई राइट अ लेटर, तो इसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। डिड ही रीड अ बुक, क्या उसने एक किताब पढ़ी। डिड यू ड्रिंक वाटर, क्या आपने दूध पिया। डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या आपने दूध पिया। डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेले। दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट किया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट सिंपल टेंस को नेगेटिव में चेंज करते हुए हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट किया। इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस वाले जुमलों में चेंज करते हुए हमने सबसे पहले हमने डिड यूज़ किया, कि जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने बाहर निकाला। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब राइट किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके साथ हमने साइन किसका यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क का। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या आपने इन सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। ये सिंपल सेंटेंस है, उनको हमने नेगेटिव में भी चेंज किया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी। मैं कॉलेज गया, मैं कॉलेज नहीं गया, क्या मैं कॉलेज गया। हमने अपना सबक याद किया, हमने अपना सबक याद ना किया, क्या हमने अपना सबक याद किया। तुमने परिंदा देखा, तुमने परिंदा ना देखा, क्या तुमने परिंदा देखा। तो आपने इन सेंटेंसेस को नोटबुक पर अपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट दिस इज़ योर डायरी, डू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और नोटबुक, कि आपने जो भी सेंटेंसेस उर्दू में देखे हैं उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है नोटबुक पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।